सवाल है कि मंदरजल में वस्तफित तनासुब मालूम करें, वस्तफित तनासुब मालूम करें। इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग। दो टर्म दिया गया है, इसका हमने मीन प्रोपोर्शनल या वस्तफित तनासुब मालूम करना है। तो ज़रा इसका देख लें, लेट ये जो दरमियान में होता है वो इसको हम नाम देंगे बी, बी द मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। यानी उर्दू में लिखना चाहे तो आप करेंगे कहेंगे कि फर्ज करें बी वस्तफित तनासुब है, वस्तफित तनासुब। ये अच्छा जी, देखिए इससे पहले आप जानते हैं कि हम लिखते हैं ए रेशो बी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द सी रेशो डी, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शनल में क्या होगा, ये जो दरमियानी वाली रकम है ये रिपीट हो जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी और इस सी की जगह डी की नहीं होगा, ये इस तरह होगा, ठीक है। अब देखिए ये अगर हमारे पास ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये दोनों गिवन होगा। ये जो दरमियान वाला है जिसको हमने दो बार इसके साथ भी लिखा है इसके साथ भी, इसी को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बात कहें, बात समझ में आई, ये इस तरह। तो यहाँ पर आप देख लें ये फोर आ गया रेशो, ये बी एज इट इज़ दिखाई दे रहा है, ये बी फिर रेशो 56, ये चीज़, ठीक है। अब उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो चूंकि मीन को हमने मालूम करना है तो लिहाजा हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यानी कि आप उर्दू में लिखना चाहे तो लिखेंगे कि तरफेन का हासिल ज़रब, तरफेन का हासिल ज़रब। सवाल हल करने का तरीका बिल्कुल वही है, बराबर है वस्तेन का हासिल ज़रब। ये तो वस्तेन, ये दोनों जो यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, ये यहाँ पर भी जिसको हमने फाइंड आउट करना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बी इंटू बी दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, ये एक्सट्रीम, ये दोनों एक्सट्रीम है, 4 × 56, ठीक। अब यहाँ पर आप देख ले बी को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। 56 को आप मल्टीप्लाई करना चाहें या इसको फैक्टराइज करते हैं, देखें 56 ये किस पर जाएगा, दो पर जाए तो कितना होगा, चार पर जाएगा ये, वैसे यस चार पर जाएगा ये, चार कम चार, चार चौक 16, ठीक। उसके बाद बस यही रखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि 7 2 क्या होगा वो, ये देखिए अल्टीमेटली हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, सो दैट्स वाई। तो यहाँ पर आ गया 4 × 4 × 17 × 14, ठीक। अब इससे क्या हासिल हुआ, ये रफ वर्क है, तो ये हासिल हुआ हमारे पास बी स्क्वायर बराबर है, ये देखिए 4 × 4 ये आ जाएगा 4 स्क्वायर, ये 14, ठीक है। 14 चूंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है इस वजह से, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, यानी तरफेन का जजर लेने से, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। ये जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं राइट साइड को आप क्या करते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो ये ठीक है। अब चूंकि ये स्क्वायर है, ये इसमें से निकल जाएगा बाहर, तो ये 4 और 14 रेडिकल के अंदर रह गया, सो दिस इज द फोर्थ द मीन प्रोपोर्शनल, दिस इज द मीन प्रोपोर्शनल, ये आंसर है। अब आप देख लें बिल्कुल इसी तरह, यहाँ पर ये पहला वाला आ जाएगा विच इज इन दिस केस 10x 6y2, ये यहाँ पर सी ये वाला है 40 x² y पावर 4,
तो अगेन उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मींस बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यहाँ पर ये बी इंटू बी आ गया हमारे पास, तो दैट इज इक्वल टू ये एक्सट्रीम, ये दोनों एक्सट्रीम है, 10x^6 वाई, अच्छा जी बी इंटू बी बी स्क्वायर, ये 10 आ गया, 10 पहले, फिर ये 40, ये अब ये देखिए एक्स स्क्वायर एक्स सिक्स, फिर ये क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये वाला ये करीब लाए, फिर उसके बाद वाई वाई पावर 2, फिर उसके बाद ये वाई पावर 6 वाई पावर 4, ये चीज़, अच्छा जी ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर बराबर है ये 10 इंटू 40, ये आ गया 400, क्या 400, यहाँ पर आप देख ले ये बेस सेम है तो पावरों का आप ऐड करें 6+2, यहाँ पर भी इसी तरह बेस को आप सेम लेंगे जब मल्टीप्लाई हो रहे तो पावरों का आप क्या करेंगे जमा करेंगे, ये आप जानते हैं कि अगर कोई से दो नंबर हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो बेस सेम हो तो आप पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर भी इसी तरह होगा, ये 400, अच्छा 400 को हम लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर है, यानी 20 × 20 किसके बराबर है 400 के बराबर है, यहाँ पर क्या होगा ये 8, ठीक यहाँ पर क्या होगा यस वाई पावर 6, ठीक अब आपने क्या करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, देखिए जी ये बी, अच्छा यहाँ पर आप देख लीजिए ये 20 को हम लिख सकते हैं सर 20, फिर इसका स्क्वायर रूट अलग, चूंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रही है तो स्क्वायर रूट का आप अलग अलग लिख सकते हैं, वजह क्या है कि अगर इस तरह आप स्क्वायर रूट ले ले तो ये बराबर होता है इसके, ठीक है या चलो मैं पहले लिख लेता हूँ ये सारा, तो एक्स 8 वाई 6, अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, आप जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है 1/2 के बराबर, तो 1/2 इस 2 के साथ कैंसिल, बाकी आ गया हमारे पास बी, ये आ गया 20 स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहाँ पर आप देख ले एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं और होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, फिर इसी तरह वाई को हम लिख सकते हैं क्या 6 × क्या कर लो स्क्वायर, चलो पहले इसी तरह लिख लिया इसको यस 8, फिर इसके बाद यहाँ पर भी इसी तरह y पावर 6, ये अच्छा जी आप जानते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट होता है ये इसका मतलब होता है 1/2 अभी जो हमने वहाँ पर बताया, फिर यहाँ पर x पावर 8 इंटू 1/2, यहाँ पर भी इसी तरह 6 × 1/2, और साथ ही साथ एक चीज़ हम भूल रहे हैं प्लस माइनस ज़रूर लगाना ही है, प्लस माइनस तो क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस, चलो ब्रैकेट में लगाओ 20, यहाँ पर देखिए ये दोनों ख़त्म, यहाँ पर देखिए ये 4 आ गया x पावर 4, ठीक सवाल समझ में आ रहे तो यही लाइक कीजिए 3, ये दिस इज़ आवर आंसर, किताब के आंसर के साथ इसको कंपेयर कर लें, थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कामा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये तो बिल्कुल इसी तरह ये हमारा फर्स्ट है ये थर्ड है, मीन टर्म हमने मालूम करना है, लेट बी बी द मीन प्रोपोर्शनल, फर्स्ट करें बी वसत तनासुब है तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रेशो b को फाइंड आउट करना है तो ये b यहाँ पर ये गिवन है ये x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो अगेन उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो ये मीन्स है b इंटू बी, ये मीन्स आ गया और एक्सट्रीम ये दोनों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ये वाला एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, अच्छा जी अब ये अगर आप इसको देख ले बिल्कुल फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो उसके मुताबिक ये क्या होगा यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर
यहाँ पर ये एक्सपेंड करें लेंस को, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस बी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये चीज़ यहाँ पर आप इसको x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ये दिखाई दे रहा है। इनमें से एक ये x माइनस वाई कैंसल, बाकी क्या बचा, देखे बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखिए ये x प्लस वाई ये x प्लस वाई तो क्या होगा x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई ये दोबारा बताओ चूंकि बेस सेम है मल्टीप्लाई और वन पावर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, चेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, देयरफॉर स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास बी स्क्वायर, इस तरफ को प्लस माइनस लगाएंगे फिर ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ये, अब स्क्वायर ये वन अपॉइंट टू इसके साथ कैंसिल तो बी आ गया हमारे पास पी प्लस ये इसके साथ कैंसिल तो क्या आ गया हमारे पास एक्स प्लस वाई, दैट इज आवर आंसर, ठीक यस। एल क्यूब माइनस एम क्यूब कामा एल माइनस एम अपॉन एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, तो आप ये देखिए ये पहला मुतनासिब है ये तीसरा है, तो मीन हमने मालूम करना है तो ये आ जाएगा यहाँ पर एल क्यूब माइनस एम क्यूब ये, फिर रेशो बी ये प्रोपोर्शनल का साइन, फिर बी फिर यहाँ पर ये चीज़ एल माइनस एम एल माइनस एम अपॉन एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर ये अगेन उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो ये दोनों बी इंटू बी ये मीन्स आ गया प्रोडक्ट इन दोनों का, ये आ गया हमारे पास एल क्यूब माइनस एम क्यूब इंटू एल माइनस एम अपॉन एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर ये, ठीक। देखिए अब हम जानते हैं कि इससे पहले फार्मूला हमारे पास है और वो फार्मूला ये है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको अगर आप एक्सपेंड करिए तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो सिमिलरली अगर यहाँ पर एल क्यूब हो यहाँ पर एम क्यूब हो तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा एल एम, क्योंकि ये एल ए एम बी तो यहाँ पर क्या होगा एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर जस्ट लाइक दैट। तो इस वजह से यहाँ पर आप देख लीजिए इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, बी इंटू बी आ गया हमारे पास बी स्क्वायर बराबर है, इसकी जगह हम वो एक्सपेंशन जो लिख लिया वहाँ पर उसको लिखेंगे एल एम एल माइनस एम फिर एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर ये इंटू ये वाला एल माइनस एम अपॉन एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर ये। अब आप देख लें ये ऊपर न्यूमेरेटर में ये बड़ा सा टर्म इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा, बाकी बच गया बी स्क्वायर बराबर है एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम ये। अब दोनों सेम है तो आपने क्या करना है, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा इसका पावर वन वो पावर वन ये, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, हाँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ चले लिख लो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ये आ गया बी स्क्वायर एल माइनस एम होल स्क्वायर ये स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है, ठीक है सवाल समझ में आ रहे हैं तो यही लाइक कीजिए काइंडली।
बी स्क्वायर रेडिकल के साथ कैंसिल, तो बी की वैल्यू आ गई द मीन प्रोपोर्शन, ये हमारे पास है एल माइनस एम, ये दस मीन प्रोपोर्शन इज, मीन प्रोपोर्शनल इज